ऑयली फेस को कैसे सही किया जाता है अगर आपके फेस पर भी ऑयल आता है तो ऑयल आने का रीज़न क्या होता है एंड अगर आपके ऑयल आ रहा है आपके फेस पर तो आपके फेस पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड ऑयल को हमेशा के लिए कैसे हटाया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो में होम ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आप आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी समर स्टार्ट हो चुका है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी जिसके रीज़न से आपके फेस पर ऑयल भी आता होगा या फिर पहले भी अगर आपके फेस पर ऑयल आता है तो हम जानते हैं कि ऑयल आने का रीज़न क्या होता है। जैसे कि आप चिकना वगैरह जो तला हुआ ऑयली खाते हो उसके रीज़न से भी आपके फेस पर ऑयल आता है, जो आप चिपचिपा भी खाते हो उसमें भी ऑयल होता है, तो वही ऑयल आपकी फेस की स्किन में निकलता है। आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी के रीज़न से, यानी जो आपके हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, जो अनबैलेंस हो जाते हैं, उसके रीज़न से भी आपकी बॉडी पर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है या फिर आपको इसे ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि आपकी ऑयली स्किन को सही नहीं कर रहा है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो और ज़्यादा फेस पर ऑयल लेके आ रहा है। ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं, आप टाइम से हेल्दी डाइट नहीं लेते, अच्छा वर्कआउट नहीं करते, या आप कोई सा टैबलेट्स या कैप्सूल या बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी पर इफेक्ट कर रहे हैं जिसके रीज़न से आपके फेस पर ऑयल आता है। अगर आपके फेस पर ऑयल आ चुका है तो ऑयल आने के कितने नुकसान हो सकते हैं आपको और आपके फेस को, हम ये भी बात करेंगे। तो अगर आपके फेस पर ऑलरेडी ऑयल आ चुका है या हमेशा के लिए ऑयल आता है तो आपके फेस पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। पिंपल्स के साथ साथ जो वो पिंपल्स रहते हैं ना उसमें डार्क स्पॉट यानी काले काले धब्बे भी होने लग जाएंगे। और अगर आपके फेस पर ऑयल निकलता ही नहीं है तो आपके फेस पर गड्ढे यानी ओपन पोर्स भी होने लग जाते हैं। ओपन पोर्स होने के साथ साथ आपका फेस थोड़ा सा डार्क भी दिखने लग जाता है, जो कि ऑयली फेस है ना स्किन की खूबसूरती को यानी ग्लो को कम करती है। ये बात आप हमेशा याद रखें, अगर आपका भी ऑयली फेस है तो आप तुरंत ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, कोई सी क्रीम्स होम ट्रीटमेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके फेस को जो आपके फेस पर ऑयल आता है उसको आपको हमेशा के लिए निकालना है अगर आप आपकी फेस की स्किन को क्लीन रखना चाहते हैं या फिर आप आपके फेस पर ग्लो लाना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका ऑयली फेस हो चुका है तो कौन सा होम ट्रीटमेंट करें जिसके बाद आप आपकी ऑयल जो फेस की स्किन को ऑयल फ्री कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट आप नोट कर लें या फिर आप याद रख सकते हैं और आपको आज से ही फॉलो करना है। आपको मुल्तानी मिट्टी लाना है। मुल्तानी मिट्टी आप जानते हो जो कि मिट्टी होती है वो बहुत यानी ब्राउन कलर की होती है, भूरी टाइप की मिट्टी होती है। उस मिट्टी को आपको एक प्लेट में लाना है, 1 से 2 चम्मच ले सकते हो जितनी आपके फेस पर हो जाए। उसमें आपको एक पका हुआ नींबू का रस, यानी जो पका हुआ नींबू रहता है उसका रस आप किसी भी प्लेट में निकाल सकते हैं। उन दोनों का पेस्ट आप बनाएं और उन दोनों का पेस्ट आप बनाने के बाद आप आपके फेस पर नाइट में फेस पैक जैसा बना के आप आपके फेस पैक को यानी फेस पर पूरा लगाएं, जो कि आप उसको कम से कम 30 से 40 मिनट आप उसको लगा रहे थे, जिसके बाद वो सूख जाएगा। सूखने के बाद आप उसको ऐसे ही हाथों से निकाल के, फेस वॉश नहीं करना है, आप हाथों से ही निकाल के ऐसे ही आप सो जाएं, आपके फेस पर वो उसका रस निकल जाएगा आपके फेस पर, बाकी की मिट्टी मिट्टी निकल जाएगी। ये 30 से 40 मिनट आपको करना है एवरीडे। आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में आपके फेस का ऑयल कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पिंपल्स भी रिमूव होने लग जाएंगे। और ख़ास बात, जो आपके ओपन पोर्स अगर हो चुके हैं तो वो भी बहुत जल्दी भरने लग जाएंगे। बात ये होती है, नींबू जो रहता है ना वो आपकी फेस की स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देता है। टाइट जब आपकी स्किन हो जाती है तो आपके फेस से गड्ढे बहुत ही कम होने लग जाते हैं। पूरे तो सही नहीं होते, पूरे तो आप कम से कम 3-4 महीने यूज़ करोगे इसके बाद सही होंगे, लेकिन आपका फेस पर ग्लो भी आने लग जाएगा, आपके फेस पर जो ऑयल आता है वो भी बंद होने लग जाएगा और आपका फेस क्लीन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आप अगर ये वीक में 3 से 4 बार कर सकते हैं और एक दिन आप वीक में आपके फेस पर दही जरूर लगाएं। दही से आपके फेस पर सॉफ्टनेस आती है, सॉफ्टनेस आने से आपके पूरे पिंपल्स ऑटोमेटिक निकल जाते हैं या फिर बाहर आ जाते हैं, तो आप उनको हाथों से ही निकाल सकते हैं। और दही लगाने से आपके फेस पर ग्लो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये होम ट्रीटमेंट आप यूज़ करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर जो गर्मी आ गई, समर बहुत ज़्यादा आ गया, यानी गर्मियाँ बहुत तेज पड़ने लगी, तो हमारे फेस पर या पूरी स्किन पर ऑयल आ रहा है, तो आप ये होम ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो और आपके ऑयल फेस को हमेशा के लिए हटा सकते हो। आपको ये बात ज़रूर जानना है कि आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऑयली फेस पर वर्क कर रहा है पर वो और ज़्यादा ऑयली कर रहा है, तो आप ऐसा कोई सा ही मॉइस्चराइजर यूज़ ना करें। आप ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ करें जो कि आपके फेस को ऑयल को सुखा दे, जिसके बाद आपका फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो आपके फेस के पिंपल्स बाकी के अदर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप मॉइस्चराइजर अच्छा चुनें ताकि आप उसको कंटिन्यू लंबे समय तक यूज़ करते हो। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके फेस पर भी ऑयल आता है और पिंपल्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
प्रॉब्लम्स एक बार ये ट्रीटमेंट करके मुझे रिव्यू जरूर भेजे कि आपके ट्रीटमेंट से क्या क्या फ़ायदे हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।